हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कई बार प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ऐसा होता है कि प्रसव पीड़ा या लेबर पेन की जानकारी ना होने की वजह से उन्हें प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में, आखिरी हफ्तों में, यहां तक कि आखिरी दिनों में बहुत सारे प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये खासकर उन महिलाओं के साथ होता है जो पहली बार माँ बनने जा रही होती है। तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रहा हूँ जिसे देख कर, जिसे जानकर ये आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी डिलीवरी कुछ ही देर में या कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप उसके बारे में जान सके। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, इसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के बटन को क्लिक कर दे ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी के बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको जितने भी लक्षण बताऊंगा, जितने भी सिम्टम्स बताऊंगा, अगर ये आपके प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते के बीच होती है तभी इसे लेबर पेन माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लक्षण है, बच्चे का अपनी जगह से नीचे खिसक जाना, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा की ओर आ जाना। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि बच्चा अपनी जगह से खिसक कर थोड़ा नीचे आ गया है और आपके सीने में हल्कापन महसूस होने लगा है, आपके पेट में हल्कापन महसूस होने लगा है, तो फ्रेंड्स ये बताता है कि आपका लेबर पेन शुरू हो चुका है और आपकी डिलीवरी कुछ ही देर में होने वाली है। फ्रेंड्स, दूसरा जो सबसे बड़ा लक्षण है, संकुचन का बढ़ जाना, यानी कि आपके शरीर में कॉन्ट्रैक्शन का बढ़ जाना। फ्रेंड्स, इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी डिलीवरी हो पाती है। तो प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्ते में अगर आपके शरीर में कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन बढ़ जाता है तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आपका लेबर पेन शुरू हो चुका है और आपकी डिलीवरी कुछ ही देर में होने वाली है। फ्रेंड्स, ये संकुचन आपके कमर से शुरू होकर, आपके शोनी से होकर पैरों तक हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, इसकी वजह से आपको दर्द भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो सबसे बड़ा लक्षण है वो है गर्भाशय ग्रीवा में बदलाव आ जाना, गर्भाशय ग्रीवा में चेंजेस आ जाना। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्ते में आपके आपका गर्भाशय ग्रीवा पहले के बनिस्बत थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये लगभग 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ सके। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका गर्भाशय ग्रीवा पहले के बनिस्बत काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है तो फ्रेंड्स ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपका लेबर पेन शुरू होने वाला है, बस कुछ ही देर में आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चौथा जो सबसे बड़ा लक्षण है, एमनियोटिक थैली का फट जाना, जिसे आम भाषा में पानी की थैली के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, जिस थैली में बच्चा रहता है उसे एमनियोटिक थैली कहा जाता है, इसे पानी की थैली भी कहा जाता है। तो प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्ते में ये थैली फट जाती है जिसके वजह से आपके प्राइवेट पार्ट से हल्का म्यूकस के साथ आपको हल्का ब्लड भी आ सकता है या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी निकलने की समस्या हो सकती है। तो अगर आपके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा पानी आ रही है या पानी के साथ हल्का ब्लड भी आ रहा है तो फ्रेंड्स ये लेबर पेन शुरुआत होने का सबसे बड़ा लक्षण है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, पांचवा जो सबसे बड़ा लक्षण है वो है जोड़ों और कमर में काफी ज्यादा खिंचाव होना। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा अगर अपनी जगह से थोड़ा नीचे खिसक जाता है तो ये लेबर पेन की शुरुआत होती है। फ्रेंड्स, जब बच्चा अपनी जगह से थोड़ा नीचे खिसक जाता है तो जोड़ों पर काफ़ी ज़्यादा जोर पड़ती है जिससे जोड़ों में खिंचाव आ जाती है और आपके कमर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होती है। तो फ्रेंड्स, ये एक सिम्टम्स है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका लेबर पेन शुरू हो चुका है और बस कुछ ही देर में आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगला जो लक्षण है ये ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में, प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में अगर गर्भवती महिला बच्चे के आने की तैयारी करनी शुरू कर दे, यानी कि घर की सफाई और घर का सामान अपनी जगह रखना शुरू कर दे और यानी कि घर को अच्छे तरह से सजाना शुरू कर दे तो फ्रेंड्स ये एक सिम्टम्स है जो बताती है कि गर्भवती महिला का प्रसव पीड़ा शुरू होने वाला है, उनका लेबर पेन शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई दे सकते हैं जैसे कि घबराहट होना, जी मचलाना,
दस्त होना, वज़न का तेज़ी से घटना या तेज़ी से बढ़ जाना, अगर आपको प्रेगनेंसी के 37वें हफ्ते से लेकर 40वें हफ्ते के बीच आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है या काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, तो फ्रेंड्स ये आपके लेबर पेन को बताता है। फ्रेंड्स इसके अलावा कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा नींद आने की समस्या हो जाती है, नींद आने लगती है और उनके मूड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा उताव चढ़ाव हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपका लेबर पेन कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि बच्चे की हलचल रुक गई है या धीमी हो गई है या कम हो गई है, तो फ्रेंड्स ये भी एक सिम्टम्स है जो आपका बताता है कि आपकी डिलीवरी कुछ ही देर में होने वाली है, इस केस में आपको सिजेरियन डिलीवरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको जितने भी लक्षण बताएं, हो सकता है कि इनमें से कोई एक आपको हो या दो हो या सारे आपके साथ हो, तो फ्रेंड्स ये आपके प्रेगनेंसी पर डिपेंड करता है, ये आपके बॉडी पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेहद खास रहा होगा और ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।